हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बना रहे हैं पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी है। चलिए इसे देख लेते हैं। वीडियो को पहले ही लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनता है हमारा इस रेसिपी से, तो चलिए इसे देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम टोमेटो प्यूरी बना रहे हैं। इसके लिए आपको एक पैन में वाटर को बॉईल कर लेना है और इसमें 5 से 6 टमाटर डाल लेने हैं। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इसे लगभग 5 मिनट के लिए सिमर होने देना है, जब तक कि इसकी स्किन पील ऑफ नहीं होने लग जाती। 5 मिनट बाद हम इसे निकाल कर आइस कोल्ड वाटर में डाल लेंगे। ऐसा करने से इसकी कुकिंग तुरंत रुक जाती है और हमें कलर भी बहुत बढ़िया मिलता है। इस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहा जाता है। तो आपको कभी भी पिज्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस बनाना हो तो याद रखें, पहले टमाटो को ब्लांच कर लीजिए। पानी में अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद अब इसकी स्किन बहुत इजीली पील ऑफ हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारे टमाटोज की स्किन पील कर लेना है। पिज्ज़ा या पास्ता की सॉसेस में ये स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसे इसी तरीके से अच्छे से निकाल लीजिए। अब हमारे सारे टोमेटोज की स्किन निकल चुकी है। चलिए अब इसे रफली चॉप कर लेते हैं। इसका टॉप का हिस्सा आपको निकाल देना है। ट्राई कीजिए कि आप इसके बारीक पीसेस कट कर लें, ताकि पीसते वक्त हमें आसानी हो और हमें अच्छे से प्यूरी मिल जाए। इस तरीके से आप प्यूरी एक्स्ट्रा भी बनाकर रख सकते हैं, ताकि आप कोई भी ग्रेवी की सब्जी में इसे इंस्टेंटली यूज़ कर सकें। इसी तरीके से सारे टोमेटोज को काट लीजिए और इन्हें ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए। हमें इसकी एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत वाटरी है और हमें इसी तरीके की प्यूरी चाहिए है। फ्रिज में आप इसे 2 से 3 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब पास्ता बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक पैन में पानी ले लेना है और इसे रोरिंग बॉयल पर ले आना है। इसमें आप सॉल्ट डाल लीजिए और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 बोल्स पेने पास्ता डाला है। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता डालने के बाद आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें, ताकि आपका पास्ता नीचे ना बैठ जाए। पैकेट में दिए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए पका लेना है। हमें पास्ता को ऑल दौनते ही रखना है, ताकि ये 80% तक ही पके और उसके बाद हम बाकी का इसे सॉस के साथ पकाएंगे। यहाँ पर हमारा पास्ता 80% कुक हो चुका है। चलिए अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। पास्ता स्ट्रेन करने के बाद आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना है, सिर्फ हल्का ऑयल डालकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब एक पैन ले लीजिए, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लीजिए और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच बटर डाल लीजिए। इन्हें मिला लीजिए और बटर को मेल्ट होने दीजिए। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच मैदा डाल लीजिए और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। आपको इसे 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते रहना है, जब तक आपका मैदा पूरी तरीके से पक नहीं जाता। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो आप इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड कर सकते हैं। पेज पर ये परफेक्टली पक चुका है और हल्का हल्का बॉईल भी हो रहा है। अब हमें इसमें धीरे धीरे करके मिल्क ऐड कर लेना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। नॉर्मल या चिल्ड मिल्क यूज़ करने से इसमें आपके कभी भी लम्स नहीं पड़ेंगे। इसमें नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के इसे सीजन कर लीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। हमें इसे थोड़ा सा सॉसी टेक्सचर पे ही रखना है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाने से ये अभी बहुत थिक हो जाएगा और हमारे पास्ता में फिर बहुत हैवी फील आएगा। सॉस अब रेडी है, चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, साथ में 1 टीस्पून या 2 से 3 छोटे क्यूब्स बटर के डाल लीजिए। इसे अच्छे तरीके से मेल्ट होने दीजिए। इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लीजिए, साथ ही में 1/2 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या ओरिगैनो डाल लीजिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 1 प्याज को बारीक कटा हुआ डाल लेना है और इसे भी सॉटे कर लेना है। आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे करना है, जब तक ये स्वेट नहीं कर लेता। प्याज अच्छे से भुन चुका है, चलिए अब बाकी की सब्जी डाल लेते हैं। अब इसमें 1/2 डाइस किया हुआ कैप्सिकम डाल लेंगे, इसी के साथ में 1/4 रेड बेल पेपर डाल लेंगे और साथ ही में 1/4 येलो बेल पेपर डाल लेंगे। ये सबको डाइस करके हमें डाल लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको ध्यान देना है कि हम सब्जियों को ओवर कुक नहीं करें और इसका क्रंच बरकरार रहे।
अब इसमें जो हमने प्रिपेयर करी हुई टोमेटो प्यूरी है उसको डाल लेंगे। लगभग 3 टमाटर की प्यूरी यहाँ पे मैंने डाली है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए सिमर होने देंगे। उसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, 1/4 छोटा टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। बेसिकली इसमें से आपको पानी को कम कर लेना है ताकि हमारी सॉस एकदम क्रीमी बने। 2 से 3 मिनट बाद इसमें जो हमने व्हाइट सॉस बनाया है उसको हाफ डाल लेंगे। आपको एक साथ पूरा व्हाइट सॉस नहीं डालना है, इसकी कंसिस्टेंसी देख के हम इसे एडजस्ट करेंगे। इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और इसमें एक बॉईल भी आ गया है। इस समय पे हम हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता डाल लेंगे और इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। आपको यहाँ पे लिफ्ट एंड ड्रॉप या लिफ्ट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं, जिससे पास्ता को आप उठा लीजिए और ड्रॉप कर दीजिए। इस तरीके से आपको इसे मिलाना है ताकि आपका पास्ता टूट नहीं जाए। इस समय पे आप पास्ता की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और सॉसी पसंद है तो आप इसमें सॉस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसे बस 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। हमारा पिंक एंड क्रीमी पास्ता तैयार है। इसे सर्व करने के बाद इसके ऊपर एक मिंट लीव रखें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसके साथ कोई भी गार्लिक ब्रेड या असॉर्टेड ब्रेड सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, मानसून में ये काफ़ी पसंद किया जाता है। डू ट्राई दिस रेसिपी, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू बाफनाज रसोई, हैव अ ग्रेट टाइम, चीयर्स। कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आई विल सी यू सून, बाय।